वेलकम टू अ ब्रांड न्यू चैनल बीडीएसके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम अंजनि कुमार तिवारी, योर हिंदी टीचर। टुडे वी विल लर्न अबाउट लेसन जब सिनेमा ने बोलना सीखा, रिटन बाय प्रतीक तिवारी। लेसन 11 क्लास 8 इन हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, सिनेमा का मतलब होता है फिल्म। कक्षा 8 के बच्चों को कहा जाए कि आज आपको फिल्म देखना है, पढ़ाई नहीं करनी है, हो सकता है बहुत खुश होंगे। जो मेरी तरह लापरवाह बच्चे हैं बहुत प्रसन्न होंगे कि आज पढ़ाई छुट्टी हुई, आपको फिल्म देखना है। और जो हमारे बच्चों की तरह, विद्यार्थियों की तरह जागरूक हैं, अच्छे हैं, जिनको अपने पढ़ाई, अपने पुस्तक, अपने समय की चिंता उस फिल्म से अधिक है, वो कहेंगे कि अभी मेरा पढ़ने का पीरियड है, पढ़ाई के बाद हम फिल्म देखेंगे, लेकिन पढ़ाई के समय में हम मनोरंजन नहीं करेंगे, फिल्म नहीं देखेंगे। उस फिल्म की बात करता हूँ, उस सिनेमा की बात की गई है इस पाठ में, जिसको सुन करके बच्चे पसंद हो जाते हैं, बहुत मन करता है सिनेमा देखने का। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, सिनेमा कैसे आया भारत देश में, पहली बार जब सिनेमा को आया तो कैसे आया। पहले नाटक होते थे मंचों पर, रात रात पर लोग जग करके नाटक देखते थे, जैसे आप नौटंकी देखते हो वैसे नौटंकी नाटक रात भर जग के लोग देखते थे। तो धीरे धीरे फिर आया चित्रों में, आया वीडियो, चित्रों में वीडियो आए, ऐसे केवल चित्र आते थे बस, पीछे से बोलता कोई और था। मूक फिल्म आई, बिना बोले फिल्म आई, उसमें डायलॉग पीछे पर्दे से कोई बोलता था, चित्र केवल आता था। उसमें जो एक्टर होते थे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े होते थे, मोच वाले, और एक्टिंग उछल कूद जो खूब बढ़िया कर लेते थे वही एक्टर होते थे। उसमें पढ़ाई लिखाई क्या विद्वता बोली इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब भारत देश में सिनेमा बोलती हुई फिल्म आई, तो उसमें भी पढ़ाई लिखाई को भी महत्व दिया जाने लगा कि पढ़े लिखे लोग अच्छा बोल सकते हैं, इनको भाषाओं का बढ़िया ज्ञान, क्योंकि उनको बोलना है। और जो गायकी क्षेत्र में थे वो सब भी इसमें आए। पाठ देखिए कि जब सिनेमा वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। वो जो बिना बोले काम कर रहे थे वो सब बोलने लगे, चित्रों में जो आ रहे थे वो सब सही सही है काम कर रहे। एक डब्बा में सब बंद हो जा रहे हैं, सिर्फ पीछे अपूर्व अनुभव अच्छा साथ में आ पड़े। यास्की चांद कहता है कि एक डिब्बा में कैसे इतने बड़े, तो चांद कहती है एक डिब्बा में कैसे इतने बड़े बड़े पहलवान सब बंद होते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पहली बार जब आई सिनेमा तो उनको ऐसे आश्चर्य हुआ। देश की पहली सवाक, सवाक में बोलती फिल्म आलम आरा, क्या नाम था बोलती फिल्म का, आलम आरा, पाठ में देखेंगे। आलम आरा पहली बोलती फिल्म आई, उसका नाम था आलम आरा। और पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी, 14 मार्च 1931 की यह वह ऐतिहासिक तारीख, पहली फिल्म आई भारत देश में बोलती हुई 14 मार्च, इम्पोर्टेंट तिथि 14 मार्च 1931। भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था, उसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि यह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, मूक सिनेमा, मूक ने बिना बोलता हुआ सिनेमा अपने शिखर पे था, लेकिन बोलती पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उस साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, वो भी बोलने लगे, मगर बोल
बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे परदेशियन यम ईरानी। परदेशियन यम ईरानी परदेशियन ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा हुई। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आदेशियर ने इस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आदेशियर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में तीन वाद्य यंत्र केवल तीन या वाद्य यंत्र तबला हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया। तीन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया। बहुत भीड़ लगी, कई दिन तक बुक रही ये फिल्म देखने के लिए, बहुत भीड़ लगी। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। अब तो नाम डाला जाता है, तब उसमें किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पांच गाने बने डब्लू एम खान। पहला गाना था दे दे तुझा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। इस तरह से अच्छा इसमें फिर कई अभिनय एक समस्या और आई थी। एक उस समय जो सबसे प्रसिद्ध अभिनेता थे उनका नाम था विट्ठल। कई फिल्मों में काम किया था उन्होंने, बड़े फेमस थे। विट्ठल आए तो विट्ठल को उर्दू नहीं आती थी और नायिका इसकी थी जुबैदा इसकी नायिका थी। विट्ठल को उर्दू नहीं आती थी, इस आधार पर जो इसके प्रोड्यूसर थे, प्रबंधक संचालक थे, उन्होंने इनको हटा करके महबूब को रख दिया नायक के रोल में। तब इन्होंने मुकदमा कर दिया और उस समय इनके जो वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा विट्ठल का। विट्ठल जीत गए और यही फिल्म के नायक थे। यह फिल्म 14 मार्च 1921 को मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। इतनी भीड़, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब तो भीड़ उसे समाप्त हो गई थी। तो इस तरह से पूरे पाठ को आप सब पढ़िएगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। आदेशियत ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्गे को सवाग सिनेमा के जनक आदेशियत ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? आदेशियत ईरानी। इनको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली सिनेमा जगत में। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा, क्या नाम है उसका? आलम आरा नाम है और पाठ का नाम दिया गया जब सिनेमा ने बोलना सीखा। अच्छा पाठ है, हमारे विद्यार्थी पूरे पाठ को पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। नोट्स में प्रश्न उत्तर गद्यांश के आधार पर मैं दे दूंगा और अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर भी बता दूंगा। हम समझते हैं आप जान गए होंगे फिल्म के बारे में, और भी इसमें कई पात्र थे, उन पात्रों का भी जिक्र किया गया है। फिल्म के पात्र थे बाद में, वो सब फिल्म में बहुत अच्छा काम किए। तो पूरे पाठ को पढ़िएगा, इसका जो मूल भाव था मैंने बता दिया कि फिल्म कैसे भारत में आई बोलती हुई फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद।